हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 12 का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, रेजोनेंस ट्यूब। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है सच में अच्छा है, क्योंकि आप इसके अंदर बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह से आप यूज करते हो, किस तरह से आप जो फ्यूनिंग टॉन्क होता है उससे आप किस तरह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हो। तो ये एक तरह का जो एक फन वाला एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, उस तरह का ये एक्सपेरिमेंट है। तो आपको करने में थोड़ा भी इसके अंदर कंटाल नहीं आएगा। एक्चुअली इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और आपको लगेगा कि एक्सपेरिमेंट और 10 मिनट और 10 मिनट होना चाहिए। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो कि ये जो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पीड का, साउंड का हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पीड को मेजर करने वाले हैं, और वो किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी जो आपका नॉर्मल सा जो आपका लैब होगा उसके अंदर। ओके, किसी तरह का कोई इसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करना है, आपको फ्री टेम्परेचर में इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एम दिया गया है। ओके, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एपेरेटस दिया गया है। आपको एपेरेटस यानी क्या क्या चीजें लगती है आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेरेटस बोलते हैं। ओके, आपको इतना तो समझ गया होगा, क्योंकि आपने 11th में बहुत सारे जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म किए होंगे, और अभी आप 12th में आ गए हो, तो 12th के अंदर तो आपको ये पता चल गया होगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो अपैरेटस होता है, और साथ में उसका जो डायग्राम हो या फिर फॉर्मूला और प्रोसीजर हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप इन्हीं के बल पे क्या करने वाले हो, जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख लो कि किस तरह से आपको पूरा सेटअप करना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करने को मिले। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूले देख सकते हो कि इसके अंदर अगर हम लोग को कैलकुलेशन आता है, तो उस कैलकुलेशन में हमें ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो इस्तेमाल करने हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों के हिसाब से क्या करना है, हमें पूरा जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद जो सबसे मेन आपका प्रोसीजर, यानी अगर आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर आप आपका प्रैक्टिकल नहीं करते हो, तो गलत होने के जो चांसेस है वो 100% बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कोई भी एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कोई ना कोई गलती आ जाएगी। और सबसे मेन बात कि आप इंस्ट्रूमेंटल कर रहे हो, अगर इसके अंदर कोई गलती आती है तो आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो वापस रिपीट करना होगा। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आप देखो, तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, यानी आपने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन लिखा है। आप चाहो तो आपका ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर जो यहाँ पे दिया है आप उसके हिसाब से भी आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप लिख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे दोनों चीजें देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी ऑब्जर्वेशन टेबल का, और यहाँ पे उसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है रेजोनेंस का, डायमीटर ऑफ रेजोनेंस ट्यूब का, उसका भी यहाँ पे जो रीडिंग है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक एंड करेक्शन निकालना होता है वो भी यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड वाला देखो, रेजोनेटिंग लेंथ वाला, तो लेंथ वाले का भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमने परफॉर्म किया है, और उसका भी यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो। तो आप अगर अपने रीडिंग अपना निकाला होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका रीडिंग किसी कारण के कारण अगर नहीं निकाल पाए, तो आप ये वाला रीडिंग फॉलो कर सकते हो, ये वाला रीडिंग आप लिख सकते हो। ओके, ये भी रीडिंग एकदम करेक्ट है, इसके अंदर भी आपको कोई भी टेंशन फेस नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मीन वैल्यू भी यहाँ पे निकाल के दी गई है, और सबसे मेन यहाँ पे आपका ग्राफ आ जाता है कि आपको ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें रीडिंग तो दे दी है, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, क्योंकि अगर कभी कभी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो सिर्फ आपका एक या दो ही पॉइंट मैच होता है। तो इस तरह से आपको देखना है कि आप किस तरह से एक अच्छा सा, अच्छा जो आपका पॉइंट है वो आना चाहिए, किस तरह से आप एक अच्छा सा अच्छा ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उस पूरे एक्सपेरिमेंट को आपको आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और बाकी का जो आधा मार्क्स बचा है वो आधा मार्क्स आपके ग्राफ को देख के मिलेगा, क्योंकि ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको ग्राफ देख के पता चल जाएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट सही किया है या नहीं किया है। तो सारा अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर ग्राफ है, तो आप समझ लीजिए कि वो वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा टफ है, वो एक्सपेरिमेंट में आपको बहुत अच्छे से काम करना है, तो ही आपका जो ग्राफ है वो परफेक्ट आएगा। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है आप देख सकते हो n बाय 1 अपॉन l के अकॉर्डिंग लिया गया है। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो सेंटर से पास होगा,
यहाँ पे आप स्लोप किस तरह से निकालना है वो यहाँ पे आपको दिया है ओके, और एक स्लोप भी निकाल के दिया है आपको ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ आपका जो भी रीडिंग आया है उसी के हिसाब से प्लॉट करना है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका रीडिंग में अगर आपको डाउट लग रहा है, कोई गलती लग रही है, तो आप ये वाला रीडिंग लिख लो और ये वाले रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिया है आप ये वाला प्लॉट कर लो ओके। तो इससे क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके दिमाग में और आसानी से जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छे से जाएगा, आपका जो जर्नल है वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन चेक हो जाएगा ओके। तो ये आपका ग्राफ है, आप यहाँ पे एन अपॉन 1/L लिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लॉट की गई है। यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 पॉइंट अटैच है और 5ों पॉइंट अटैच है, मतलब ये ग्राफ क्या है, परफेक्टली करेक्ट है ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी दिया है, कैलकुलेशन भी आप लॉग एन लॉग एल ए प्लस बी एंटी लॉग ऑफ सी ये सारा चीज यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है ओके। तो ये आप अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इतना अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया है। और फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कभी भी, और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप पूछ सकते हो ठीक है। तो वहां पे अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपके आगे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप साइंस में हो तो साइंस में आप आगे साइंस ही लोगे, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं साइंस के बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो करवाते रहता हूँ और उसके नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि अननोन फ्रीक्वेंसी है और साथ में यहाँ पे रिजल्ट भी आपको लिख के दिया गया है ओके। तो आप ये रिजल्ट के साथ जा सकते हो अगर आपने हमारा वाला रीडिंग लिखा है, और अगर आपने अपना वाला रीडिंग लिखा है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी अलग आएगा ओके। और यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन है वो यहाँ पे दिए हैं, साथ में यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हो ओके, कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ओके। तो ये रेजोनेंस आपका फिजिक्स वाला है, आप अगर केमिस्ट्री में जाओगे तो केमिस्ट्री में आपका जो रेजोनेंस है वो अलग है ठीक है। तो ये बात आप दोनों याद रखना है कि जो फिजिक्स वाला रेजोनेंस है वो अलग होता है और जो केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस होता है वो अलग होता है, दोनों चीजें क्या है अलग अलग है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आप दोनों का जो डेफिनेशन है वो पढ़ोगे। तो उसके बाद व्हाट इज द फोर्स ऑक्सीलेशन, तो ऑक्सीलेशन क्या होता है ये आपको पता है कि अगर हम लोग एक पेंडुलम लेते हैं और पेंडुलम को अगर हम लोग एक बार अगर झुलाते हैं तो वो जहां से स्टार्ट होता है और जहां पे एंड होता है और फिर वहां से जहां पे खत्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑक्सीलेशन बोलते हैं ठीक है। ये आप समझ जाओगे अगर आप एक्सपेरिमेंट को करोगे ऑक्सीलेशन वाला। उसके बाद व्हाट आर द सोर्स ऑफ एरर इन द एक्सपेरिमेंट, और मैंने जैसा कहा कि आपका सबसे पहला जो प्रोसीजर है उसको ना पढ़ना एक एरर हो सकता है, उसके बाद आपका ह्यूमन एरर हो सकता है, आपका एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, आपका टेम्परेचर के इंक्लूडिंग एरर हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसमें जो एक्सपेरिमेंट वाले जितने भी ये होते हैं एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर एरर आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। What is the nodes and antinodes? तो nodes और antinodes भी बहुत easy है, अगर आप कोई भी अगर आपको wave मिलता है तो wave के अंदर हम लोग nodes और antinodes देखते हैं। तो ये आपको अगर आप किसी भी diagram को अगर wave और antinode और nodes वाला देखोगे wave तो उसके अंदर आपको समझ जाएगा कि nodes कहाँ होता है और antinodes क्या होता है ओके। तो ये सारी चीजें बहुत ही easy term है, बस आपको एक बार देखना है। उसके बाद व्हाट इज द एंड करेक्शन, हाउ डू यू एलिमिनेटेड इट। एंड करेक्शन मतलब एक छोटा सा माइनर करेक्शन होता है जिसको आप किसी भी आप बहुत तरीके हैं जिसको आप क्या कर सकते हो ये कर सकते हो करेक्ट कर सकते हो, जैसे L प्लस 0.3D ओके। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो किसी भी करेक्शन को आप किसी भी जो आपका इन करेक्शन है जो आपका गलत है वो आप उसको करेक्ट कर सकते हो ओके। उसके बाद स्टेट द फैक्टर ऑन विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पे आपका साउंड डिपेंड होता है ओके। हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड इन द गिवन मीडियम वेरी विद द टेम्परेचर ओके। तो आपको पता है कि अलग अलग मीडियम के साथ से जो आपका ये है साउंड है वो अलग अलग ट्रेवल करता है, वो आप चाहे रेयरर मीडियम में चले जाओ या डेंसर मीडियम में चले जाओ दोनों का अगर आप देखोगे साउंड ट्रैवलिंग का स्पीड वो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ओके। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला, ये हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म कर दिया है
और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और अगर इसके अंदर आप कहीं पे भी फंस जाते हो या फिर कोई गलती लगता है कोई गलत चीज है, तो आप हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।